सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम पाठ 13 प्रार्थना और प्रयास की कहानी का पठन करेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद एक उच्च कोटि के कहानीकार थे। उनकी कुछ रचनाएं बच्चों के लिए भी लिखी गई थी। प्रस्तुत है उनकी एक ऐसी कहानी। देखिए, ये कहानी एक बच्चे की है और एक शेर की है, है ना। जो बच्चा जो है वो जंगल में गायों और बैलों को चराने के लिए जाता था, उसकी कहानी है। आइए उसके बारे में हम पठन करते हैं। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों में कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांव में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगल में चरने जाया करते थे। जंगल में आपने देखा होगा शेर होते हैं, शेर कोई भी जानवर को छोड़ते नहीं है, ठीक है। एक बार एक चरवाहे का लड़का गाय बैल को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता ना चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक, मुझे जीता ना छोड़ेंगे, ठीक है। उसका जो मालिक होता है वो घबराने लगता है और बोलता है कि आज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं मालिक। इस वक्त ढूंढने का मौका ना था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की हिम्मत तो देखो, अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाएं भाएं कर रहा है, गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। जो बच्चा था वो बिल्कुल डर नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, बेखौफ मतलब बिना डरे हुए ही, वह किसी से ना डरते हुए भी जंगल में क्या करने लगा, आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर तक वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिशाद मतलब क्या हिम्मत, है ना। मगर जाए कहाँ, जब उसे कुछ ना सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर ना लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चार पाई और बिछावना नहीं ढूंढती है। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की ओर देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। मतलब जैसे वो नीचे देखता है तो वहां पे देखता है एक शेर खड़ा था। क्या खड़ा था, शेर। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़ कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्रा था और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों ज्यों कटी सवेरा हुआ, लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक ना लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहां जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी।
भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से ज्वार भी ही ना हटता था, थोड़ा सा भी ज्वार हटता नहीं था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी की जो ही वह पानी पीने। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पीने जाएगा, मैं भी यहां से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़की की मंशा समझ ली। वह आते ही इतने जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता है जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। जो जो रात होती जाती थी, शेर की भूख तेज ही होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत जाएगी। ओके स्टूडेंट, आज का हम क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे की कहानी बढ़ाएंगे। टुडे इज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।